और अब खबर जैसलमेर के लाठी से है, जहां पर सेना के जवानों ने ड्यूटी कर घर लौट रहे बिजली विभाग के कार्मिकों के साथ मारपीट की है। कार्मिकों की बाइक रुकवाकर सेना के जवानों ने लाठी डंडों से मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। सेना के जवानों ने बाइक सवार कार्मिक दीप सिंह पर ताबड़तोड़ लाठियों से वार किया। दीप सिंह के सर पर वार करने की वजह से गंभीर उसकी हालत बताई जा रही है। घायल मौके पर बेहोश हो गया। साथी नेपाल सिंह ने घटना की सूचना ग्रामीणों और लाठी पुलिस को दी है। लाठी पुलिस और ग्रामीणों ने अब मौके पर पहुंचकर घायल दीप सिंह को अस्पताल पहुंचाया है। ड्यूटी डॉक्टर ने घायल दीप सिंह का प्राथमिक उपचार किया और प्राथमिक उपचार के बाद उसे पोखरण जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घायल दीप सिंह और उसके साथी नेपाल सिंह विभाग में अस्थायी कार्मिक के तौर पर कार्य कर रहे हैं और लाठी थाने में ASI अब इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। मारपीट करने के कारणों का अभी फिलहाल पुलिस पता लगाने में जुटी हुई है। हमारे सहयोगी गिरिराज छगानी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गिरिराज, क्या कोई आपसी रंजिश का ये मामला है? बिजली विभाग के कार्मिकों के साथ मारपीट हुई है? जी बिल्कुल नंदनी, बताना चाहूंगा कि जो मामला है कल देर रात्रि का है, जब बिजली विभाग के जो अस्थायी कार्मिक है ड्यूटी कर घर लौट रहे थे। इस दौरान लाठी छोटा को सरहद के पास जो ये जब पहुंचे तब इनके ऊपर दीप सिंह के ऊपर जो कार्मिक थे, सेना के जो जवान थे, उन्होंने उनके साथ मारपीट की। परंतु फिलहाल इस घटना को लेकर किसी प्रकार से कोई खुलासा नहीं किया गया, ना सैन्य विभाग की तरफ से किया गया है और ना ही कोई पुलिस की तरफ से कुछ किया गया है। जी गिरिराज, अभी फिलहाल क्या स्थिति बताई जा रही है? जो कार्मिक का बिजली विभाग का घायल हुआ है उसकी क्या कंडीशन है? जी बिल्कुल, उसको रात को प्राथमिक उपचार लाठी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से देकर उसको पोखरण जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया था। उसके सर पर गंभीर चोटें आई हैं और कुछ टाके भी उसके सिर पे लगाए गए, क्योंकि जो सिर का जो ऊपर का हिस्सा था वो लाठी के डंडों की वजह से पूरी तरीके से डैमेज हो चुका था, जिसकी वजह से उसको पोखरण के जिला अस्पताल में रेफर किया गया था। जी चलिए, शुक्रिया गिरिराज तमाम जानकारियों के लिए। तो लाठी डंडों से बिजली विभाग के कार्मिकों के साथ मारपीट और एक कार्मिक पूरी तरीके से घायल हुआ है, उसे पोखरण के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।